नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में अगेन डिस्कस करेंगे आईएक्स को, क्योंकि आईएक्स में आज 6% की गिरावट दिखी। और एपिसोड को आगे बढ़ूं इससे पहले मुझे लगता है कि हर ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में लॉन्ग करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि सीईआरसी जो है, यहाँ जो रेगुलेटर है पावर ट्रेडिंग का, उसके अंदर कोई ना कोई बंदा बैठा है जिसने आईएक्स को शॉर्ट करा है। और जब भी स्टॉक 5-7% बढ़ता है कि कोई ना कोई न्यूज आती है जो स्टॉक को जो है बुरी तरह गिरा देता है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो सीईआरसी में बैठा है। जब भी स्टॉक ट्रेंड में आता है तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है। अभी क्या न्यूज आई? आईएक्स जो है वो 5% गिरा है। क्यों? क्योंकि जो सीईआरसी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसने ग्रिड इंडिया को कहा है कि जो मार्केट कपलिंग है उसको लेकर के एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, जिसके लिए लगभग 2 महीने का टाइम दिया है। और मार्केट कपलिंग क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था। चूंकि इस समय किसी की डोमिनेंट नहीं चलेगी, जो 3 पावर एक्सचेंज है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज आईएक्स, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया पीएक्सआईएल, और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज जो कि एचपीएक्स है, इन तीनों के जो ऑर्डर्स रहेंगे बाइंग और सेलिंग को, उसको देख करके एक आइडियल प्राइस फाइंड आउट किया जाएगा, जिसको मार्केट कपलिंग कहते हैं। और इसके कारण ही गिरावट दिखी है। मुझे लगता है कि ये टेम्पररी फॉल है और इससे थोड़े बहुत रेवेन्यू पे इम्पैक्ट तो होंगे, लेकिन कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आईएक्स स्टॉक में मुझे नहीं दिखता है। और ये पहला स्टॉक है जो एक ही न्यूज को लेकर के 5 बार गिर चुका है। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि बाजार में एक न्यूज को बाजार एक बार ही रिएक्ट करता है। जैसे कि कोरोना, कोरोना को बाजार ने पहली बार रिएक्ट करा, बड़ी गिरावट आई, उसके बाद वो यूज टू हो चुका है। लेकिन आईएक्स एक ऐसा बेकार शेयर है जो एक न्यूज को बार बार रिएक्ट कर रहा है। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ गए। आज देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुए, 53 लाख सेलर, 21 लाख बायर, और डिलीवरी ठीक ठाक जा रही है। अब इसके चार्ट को देखेंगे। चार्ट को मैंने वीकली लगा रखा है और इसको मैं कर देता हूं डेली, ताकि आपके व्यूज काफी सिंपल हो पाए। यहां देखेंगे इस स्टॉक में एक गिरावट दिखी थी ठीक ठाक, यहां देखेंगे तो ये ठीक ठाक गिरावट दिखी थी 20% की। फिर इस गिरावट के बीच में क्या हुआ, यहाँ पे आ गया आईईएक्स का Q3 रिजल्ट। रिजल्ट काफी आउटस्टैंडिंग, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, और यहां से ये चल दिया। अब चला तो जहां से गिरा वहां से फिर एक बार इसको तोड़ा गया। मुझे लगता है कि ये कुछ चंद दिनों में ही आपने एकुमुलेट कर लेना चाहिए। जब तक 124 को नहीं तोड़े बड़ी गिरावट नहीं होगी। ये हमारा एसएल हो सकता है। ये अगेन मैं कहूंगा ये एक जोन है, इस ब्रेकआउट को नहीं पकड़ पाएंगे। और आई पर्सनली फील, आई स्ट्रॉन्गली फील कि इस स्टॉक में ये एक एकुमुलेशन जोन है। 150 से लेकर के 140 के बीच में एकुमुलेट करें, 124 के चाहे तो एसएल को लें, और ये जो टारगेट है 200, 260 और 340, ये तीन टारगेट मैक्सिमम 1 to 1.5 ईयर में दिख सकता है। बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर